दोस्तों, मुमताज अली भटनोसा चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें। एक दोस्तों आपसे विनती है कि अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हम इसी तरह जो भी चैनल पे वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। जैसे आपको हमारा सेकंड चैनल मतलब मुमताज अली भटनोसा चैनल देखना हो तो आप यूट्यूब के माइक में जा कर के मुमताज अली भटनोसा चैनल बोलिए। जब आप मुमताज अली भटनोसा चैनल बोलेंगे तो हमारा सेकंड चैनल खुल जाएगा और हमारे सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए, हम जैसे कि हमेशा आते हैं सेकंड चैनल पे भी प्रोग्राम की जानकारी देते हैं, हम उसी प्रकार से आज फिर चैनल पे आए हैं प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए। दिनांक 29 मार्च दिन बुधवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी हम सेकंड चैनल मुमताज अली भटनोसा चैनल पे डालने जा रहे हैं। दोस्तों ये 29 मार्च दिन बुधवार का जो हमारा प्रोग्राम है ये मेले का प्रोग्राम है और हमारे रायबरेली ज़िले के ही अंदर होगा। रायबरेली ज़िले के अंदर एक गांव है भगवंतपुर चननिया। तो दोस्तों भगवंतपुर चननिया में प्रोग्राम होना है, मेला है भगवंतपुर चननिया का, वहीं प्रोग्राम होना है। हमारे मेले के मालिक साहब आदरणीय दिवाकर सिंह हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारी पार्टी मतलब भटनोसा कंपनी जनाब मोहम्मद इदरीस भाई की पार्टी का प्रोग्राम होगा। गांव भगवंतपुर चननिया है, पोस्ट हमीर मऊ है, थाना गदागंज है और तहसील डलमऊ है, ब्लॉक दिन सा गौरा है, जिला रायबरेली है। तो आइए हम आपको आदरणीय दिवाकर सिंह का नंबर दे रहे हैं, नंबर को आप नोट कर लीजिए। जैसे आप हमारे कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आराम से हमारे प्रोग्राम तक पहुंच जाए, इसलिए हम आपको नंबर दे रहे हैं। तो नोट कर लीजिए नंबर दोस्तों, 95-69-065-613 मतलब 95-69-065-613 ये नंबर है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है या रास्ता भटक गए हैं, भूल रहे हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इसी नंबर पर कॉल करके हमारे आदरणीय दिवाकर सिंह से प्रोग्राम की जानकारी ले सकते हैं, रास्ते की जानकारी ले सकते हैं। अच्छा आइए, हम आपको एक नंबर और भी दे रहे हैं, दोनों नंबर नोट कर लीजिए। हो सकता है ये नंबर उस समय काम ना करे, रिसीव ना हो, तो हम दूसरा नंबर दे रहे हैं। तो दूसरा नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, 63-87-27-17-07 मतलब 63-87-27-17-07 तो ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबरों को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा दिनांक 29 मार्च दिन बुधवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे सेकंड चैनल मुमताज अली भटनोसा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी अपने चैनल पे वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। धन्यवाद। मंत्री गजराज से बेदाबी शुक्ला, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? कहीं गरजन
मंत्री गजराज सिंह। इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? यानी सम्राट, ये आपका गुलाम मंत्री गजराज सिंह आपके समय के साथ मुख्य प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। मंत्री गजराज सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। परेशानी को दूर करना ये मेरा काम है राजा। और सेनापति दिवाकर सिंह महाराज, आज खास तौर से मैं तुम्हें एक निर्देश देना चाहता हूँ। फरमाइए। दुश्मन को कभी कमजोर वही नहीं समझा, और हमारी बात
इतनी कमजोर नहीं जो कोई दुश्मन मुल्क की तरफ आक्रमण करे। आक्रमण करने से पहले मैं उसके कर्म को काट कर फेंक दूंगा। दूसरा विवाह रचा करके
अपने इस राजमहल में रानी सारंगा को लाए हैं। जब से वो हमारे इस राजमहल में आई है बेटी, बराबर तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हें पाल पोस कर सयानी कर दिया। बेटी तुम अपने दिल में कभी ये नहीं एहसास करना कि ये हमारी सौतेली माँ है। माँ की आज्ञाओं का पालन करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। और जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ शिकार खेल कर सूर्य अस्त होने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाओ। पापा आप चिंता न करें कि आपकी बेटी है, जा रही भी और जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए, शिकार खेल कर सूर्य ढलने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाओ। आप जरा भी नहीं चिंता करें। गजराज सिंह, हमारी बेटी पायल वो बियाबान जंगल के तरफ शिकार खेलने के लिए गई है। क्यों नहीं राज, तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ, और मैं राजमहल चल रहा हूँ।